हमारे भारत में अरहर फसल को दलहनी फसल का मुख्य फसल माना जाता है और भारत में लगभग हर जगह इस फसल की खेती की जाती है। तो अधिक उत्पादन के लिए हम वैज्ञानिक तरीके से खेती कैसे करें, आज हम जानेंगे। अरहर की दाल में तकरीबन 21 से 22 प्रतिशत तक का प्रोटीन पाया जाता है, जिसकी वजह से इसका बाजारी भाव काफ़ी अच्छा होता है। ऐसे में अगर वैज्ञानिक विधि से अरहर की खेती की जाए तो कमाई अच्छी की जा सकती है। जीवांश युक्त बलुई दोमट मिट्टी व दोमट मिट्टी वाली भूमि को इसकी खेती के लिए अच्छा माना जाता है। इसकी खेती के लिए उचित जल निकासी वाली ढालू जगह को सर्वोत्तम माना जाता है। हमारे झारखंड में जैसे ही बरसात का समय आता है तो यहाँ अपने खेतों में सभी किसान बंधु खेती की तैयारियाँ शुरू कर देते हैं, चाहे धान वाली फसलें हों चाहे दलहन वाली फसलें हों। अरहर की दाल जिसके बिना हमारा कोई भी भोजन पूर्ण नहीं होता, तो जैसे ही अरहर की दाल हमें खाने में अच्छी लगती है उसकी खेती भी उतना ही आसान है। तो उसके लिए किसान बंधुओं को मैं अभी से जागरूक करना चाहूँगा ताकि वो समय आने पर उनकी तैयारी पूर्ण रखें और अधिक से अधिक उत्पादन ले पाएँ। तो सबसे पहले तो मैं किसान बंधुओं का मैं बता दूं कि किस तरह की ज़मीन का चुनाव करें इस हमारी अरहर की खेती के लिए। तो ऐसी हम ज़मीन का चुनाव करें जिसमें पानी नहीं भरता हो, और साथ ही साथ ऐसी हम लोग ज़मीन का भी चुनाव करें जिसमें से पानी अगर भरता हो तो निकल जाए, जिसको हम लोग बोलते हैं कि दो नंबर या ऐसी टाण ज़मीन जहाँ ज़मीन की जो हमारी गुणवत्ता है या ज़मीन की जो भौतिक दशा है वो अच्छी हो, दोमट मिट्टी हो। और तीसरा पहलू है उस ज़मीन का पीएच मान। हम चूँकि हमारी जो झारखंड में जो हमारी मिट्टी है थोड़ा खट्टी है, अम्लीय उसका दशा है, तो उस दशा में अगर हम लोग खेती करेंगे तो उसमें कुछ हमें भूमि सुधारक का प्रयोग करना होगा। बीमारी से और कीटों से आक्रमण से बचाने वाली एफआईआर कैसे, एफ से मतलब फंजीसाइड मतलब कोई भी ऐसा कवक नाशी जो बीमारी को दूर कर रहा हो, जैसे कि बावस्टीन है, कार्बनडाजिम के नाम से जो आता है, या मैंकोजैब है, या फिर और भी कोई ऐसा फंजीसाइड जिससे हम लोग इसको उपचारित कर सकें, या हम लोग ट्राइकोडर्मा विरिडी भी हम लोग ले सकते हैं। और उसके बाद है इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल हम लोग करते हैं ताकि जब ये अंकुरण की अवस्था में जो हमारे ज़मीन में रहने वाले कीट हैं उनसे बचाने के लिए, या शुरुआती अवस्था में जो बाह्य कीट हैं उनसे 20-25 दिन तक उनसे बचाव के लिए, तो उसके लिए हम लोग रिकमेंड करेंगे आपको इमिडाक्लोपिड या नीम का तेल जो आता है, नीम ऑयल जिसको हम लोग बोलते हैं वो। और दूसरे तीसरा क्या हो गया, एफ आई और आर का मतलब राइजोबियम मतलब जैव उर्वरक, जो कि जैव उर्वरक का क्या काम है कि जो हमारा दही को जमाने के लिए थोड़ा सा जोरन का काम करता है, वही जैव उर्वरक हम अगर अपनी खेती में इस्तेमाल करेंगे तो हमारी जो मिट्टी है उसमें जो जैव उर्वरक जितने मात्रा में है और वो सोए हुए उनको जगाने का काम करता है, उनकी मात्रा को बढ़ाने का काम करता है, तो वो है राइजोबियम। अगर हम लोग जो कम दिन वाली जो हमारी किस्में हैं उनका अगर हम लोग इस्तेमाल करते हैं 20 से 25 किलोग्राम, और जो अधिक दिन वाली जो हमारी किस्में हैं उन किस्मों का अगर हम लोग चुनाव करते हैं तो 15 से 20 किलोग्राम बीज की प्रति हेक्टेयर आवश्यकता पड़ती है। तो ये शुरुआती अवस्था में हुई कि क्या हम लोगों को करना चाहिए। अब जब हम लोग बुवाई करना शुरू करते हैं तो ये बात आती है कि कितना दूरी पर हम लोग रखें, इसका जो पौधे से पौधे की दूरी कितना रखें, लाइन से लाइन की दूरी कितना रखें। तो अगर कम दिन वाली हमारी फसल है 115 से 20 दिन वाली, तो उसमें हम लोग 45 से 60 सेंटीमीटर लाइन से लाइन की दूरी और 15 से 20 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी रखें। और अगर हमारी लंबी 145-60 दिन की अगर हमारी फसल है तो 60 सेंटीमीटर मतलब 3 फीट पौधे से पौधे की दूरी और 20 से 25 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी हम लोग रखें। क्योंकि मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ, बीज की संख्या कम भी होगी और साथ ही साथ पौधे को पूरा फैलाव करने के लिए क्षेत्र मिल जाएगा और उत्पादन हमारा अधिक होगा। कभी भी ज़्यादा बीज डालने से फसल में ज़्यादा उत्पादन नहीं होता है।